ही जग पे उपकार, माता तेरा ही होवे सत्कार रे। तेरा ही जग पे उपकार, माता तेरा ही होवे सत्कार रे। की है मुक्ति माता, मुक्ति है तेरी शक्ति से। तुझसे है सबकी मुक्ति माता, मुक्ति है तेरी शक्ति से। ढोल नगाड़ा तेरा बाजे, भूत पिशाच निशाचर भागे, भूत पिशाच निशाचर भागे। भैया तेरा ढोल नगाड़ा बाजे, भूत पिशाच निशाचर भागे, भूत पिशाच निशाचर भागे। हे डम 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 नगाड़ा बाजे, नगाड़ा बाजे, नगाड़ा बाजे। भैया तेरा नगाड़ा बाजे, भूत पिशाच निशाचर भागे, भूत पिशाच निशाचर भागे, भूत पिशाच निशाचर भागे, भूत पिशाच निशाचर भागे। वाह गुरुदेव, वाह वाह। पर ये तो बताइए कि भैरवी माता प्रथम बार प्रकट कहाँ पर हुई? अच्छा पूछा, बताता हूँ, सब बताता हूँ, शुरू से बताता हूँ, सुनो। लंका के राजा रावण के वैभव की कोई सीमा नहीं है। भगवान भोलेनाथ की दया से ये शक्ति भी अपार है, इसलिए लंकापति के अहंकार की भी कोई सीमा नहीं है। लेकिन ऐसा अहंकार क्यों? मैं कौन? लंकाधिपति रावण, नरेश के पास गाय चराने वाला, मेघराज के पास पांव धुलाने वाला, ब्रह्मा के पास धोती धुलाने वाला, और कुबेर के पास भंडारी कराने वाला, रवि के पास खाना बनाने वाला, और देवता लोग मेरे द्वारपाल हैं, द्वारपाल। और एक दिन रावण की अहंकारी बातें भोलेनाथ के कानों तक पहुंची, और इसलिए लंकापति रावण का घमंड उतारने को भोलेनाथ ने नारद मुनि को भेजा। नारायण 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 नारायण। प्रणाम मुनिवर। कुशल तो होना मंदोदरी? आपकी कृपा है। मेरी कृपा? किंतु मंदोदरी, 9 ग्रहों को नाथने वाले, मेघराज जैसों के पास भी पैर पकड़ाने वाले महाप्रतापी रावण को एक बात में तो हार स्वीकार नहीं होगी। रावण की हार? वाह मुनिवर वाह, मैं हार मानूं? कौन सी बात में मुनिवर? आप चाहो तो भी एक दान नहीं दे सकते? दान देने के लिए मेरे पास क्या कमी है गुरुदेव? कन्यादान। आपको संतति है पर कन्या रत्न नहीं है। पृथ्वी पर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ दान कहलाता है कन्यादान। आप चाहो तो भी कन्यादान नहीं दे सकते? लंकेश, आप कन्यादान नहीं दे सकते। नारायण नारायण। कन्यादान? लंकेश, आपको पुत्र तो प्राप्त है किंतु पुत्री नहीं है। जगत में श्रेष्ठ दान है एक कन्यादान। आप सब कुछ कर सकते हैं परंतु कन्यादान नहीं दे सकते, कन्यादान नहीं दे सकते, कन्यादान। हे राजन से जो कुछ नारद मुनि ने कहा, पति मन में कुढ़ाए, भाग्य में उनके कन्यादान का क्या सुख कभी ना आए। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, मेरी इच्छा शक्ति से मैं रुद्र को भी वश में कर लूंगा,
पुत्री रत्न प्राप्त करके ही रहूंगा। एक दिन रावण के मन में कन्यादान करने की आह जागी, परंतु उसके भाग्य में कन्या नहीं थी। कन्या पाने की चाह में भोलेनाथ के सामने आसन लगाकर बैठ गया। भोलेनाथ माने नहीं और रावण हारा नहीं। भाइयों, शास्त्रों में कहते हैं ना, राजहट बुरी बात है। रावण और भोलेनाथ जिद पर आ गए। भोलेनाथ बोले दूंगा नहीं और रावण ने कहा लिए बिना मानूंगा नहीं। बाद में रावण ने शुरू की प्रबल, कठोर और कठिन तपस्या। प्रभु, तुम्हारे तप से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मांगो, वर मांगो, जो मांगोगे मिलेगा। प्रभु, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, परंतु मुझे चाहिए पुत्री। पुत्री? मूर्ख, कन्या रत्न तुम्हारे भाग्य में नहीं है, उसे छोड़कर कुछ भी मांगो। प्रभु, आपकी कृपा होने से भाग्य बदल जाते हैं, चाहिए तो मेरे प्राण ले लीजिए, पर मुझे पुत्री दे दीजिए। राजन, पुत्री के चरणों से ये रिद्धि सिद्धि और समृद्धि से छलकती सोने की लंका तहस नहस हो जाएगी, और तुम्हारे भव्य अद्भुत महलों के बदले में यहाँ बचेंगे केवल भयानक खंडहर। और उस खंडहर में नाम उठेंगे मेरे शमशान के देव के भूत। वाह मेरे शमशान के देव, वाह! इससे अच्छा क्या, समृद्धि तो सब लोग मांगते हैं, परंतु आप सर्वनाश। परंतु इससे पहले मेरे कन्यादान करने की इच्छा पूरी करो, उसके बाद चाहे रावण को मिट्टी में मिला दो और उसकी सोने की लंका को समुद्र में डुबो दो। तथास्तु। राजन, महामाया के 10 रूप में से जिस रूप की तुम इच्छा करोगे वो पुत्री रूप में उपस्थित होगी। देखो, ये देखो, त्रिनेत्री मातंगी, और ये है भैरवी। ये है शुभ फल प्रदान करने वाली भुवनेश्वरी। ये है महालक्ष्मी कमला। ये है शमशान वासिनी कुमावती। और ये देखो, ये है मंगल धारणी बगलामुखी। ये देखो, महात्रिपुरा सुंदरी षोडशी। और ये पापनाशिनी छिन्नमाता। ये देखो, सर्व मनोरथ सिद्ध करने वाली कालिका। और ये हैं श्मशान काली तारा सुंदरी। प्रभु, मुझे चाहिए ये तारा सुंदरी। तथास्तु राजन।
तुम्हारा जन्म हुआ है। जय भोलेनाथ, जय शंकर। प्रणाम। मुझे नहीं पहचाना। लंका नरेश, मैं विधात्री हूँ। मेरी पुत्री के भाग्य का लेख लिखने आई हैं। क्या लेख लिखा? ये जानने का अधिकार तुम्हें नहीं है। क्या बोली? मुझे अधिकार नहीं है? मैं लंकापति राजा रावण, नौ ग्रहों को अपनी मुट्ठी में रखने वाला, गणेश के पास गायों को चराने वाला, मेद के पास पानी भरने वाला, और मैं चाहूँ तो विधात्री तेरे पास। मुझसे तू कुछ भी नहीं करा सकता राजन। मेरे लेखनी के कारण देवता तुम्हारी नौकरी कर रहे हैं। तेरे लेख के प्रताप से नहीं, पर मेरी शक्ति के प्रताप से। रिद्धि सिद्धि और समृद्धि तो मेरे पैर में रगड़ती हैं। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। लंकेश, मुझे कोई आज्ञा नहीं दे सकता। जिसे ये पृथ्वी पर कोई आज्ञा नहीं कर सकता, उसे रावण आज्ञा करता है। तेरे लिखे हुए लेख को मिटाने के लिए रावण ने जन्म लिया है। मेरी लेखनी ना झूठी हुई है ना होगी। अहंकारी, मिटाना तो दूर की बात, मेरे लिखे हुए लेख से आज तक कोई बच नहीं पाया है। वो शक्ति रावण में है। एक बात बोलूं, तू रावण की शक्ति को परख ले। और ना कहूं तो? मैं तुझे मेरी दासी बनाऊंगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि राजन, मेरी लेखनी को मिथ्या करोगे तो सुनो, तेरी पुत्री का विवाह शूद्र के साथ होगा। शूद्र। मेरी पुत्री का विवाह शूद्र के साथ? शूद्र। लंकेश्वर, राजकुमारी तारा सुंदरी के पांचवें जन्मदिन के अवसर पर आपके आयोजन के भोजन समारोह में सारे ऋषि मुनि और उच्च ब्राह्मण सभी पधारे हैं। उनके दर्शन के लिए आप पधारिए। अवश्य ज्योतिषी जी, आइए। मंत्रीश्वर, ये बालक कौन है? महाराज, ये शूद्र पुत्र है। क्या बोले? शूद्र पुत्र? ऋषि मुनियों के बीच में एक शूद्र पुत्र? हे बालक! लंकापति, बालक तो देवता का रूप है और भोजन पर बैठे हुए को उठाना तो महापाप है। लेखा बेटे, तुम्हें तो लड्डू बहुत पसंद है। ऋषिवर, आप जैसे एक महान पवित्र व्यक्ति और ये सब ब्राह्मणों के बीच में बैठकर एक शूद्र पुत्र भोजन नहीं कर सकता। नारायण नारायण। लंकाधिपति, कोई बालक जनोई या झाड़ू के साथ जन्म नहीं लेता। बालक तो नार, जात, वर्ण, भेद सबसे परे होता है। बालक तो प्रभु का अवतार होता है, उसका तिरस्कार नहीं करते, उसे तो वंदन करना चाहिए। मुनिवर, कहां मैं महाज्ञानी त्रिलोकपति उच्च ब्राह्मण और कहां ये पामर शूद्र बालक, मैं उसे वंदन करूं? हां लंकाधिपति, शायद भविष्य में उसके पांव भी धोने पड़े। पांव? और मैं धोऊं उस शूद्र जंतु के? जंतु नहीं लंकेश, तुम्हारा जमाई। जमाई? हां, ऐसा मेरा तप कहता है और मेरा ज्ञान कहता है कि लंकापति का जवाई कोई राजस्वी होगा। देवर्षि, बिना तप का ज्ञान व्यर्थ है लंकेश। और बिना ज्ञान का तप भी व्यर्थ है देवर्षि। मेरा तप यदि झूठा हो तो राजकुमारी के विवाह की वेदी मेरी चिता होगी, और अगर मेरा ज्ञान झूठा होगा तो विवाह के मंडप में ही मैं आत्मसमर्पण करूंगा। शान और तप सच हो तब की बात तब, मगर आज तो मेरी सत्ता वही सर्वोपरि और श्रेष्ठ। उठ बालक। सेनापति जी महाराज, ले जाओ इसे और चांडालों को सौंप दो और कहो कि इसके छोटे छोटे टुकड़े करकर समुद्र में फेंक दें। जैसी आज्ञा। नारायण नारायण। महाराज,
महाराज, दया करो महाराज, दया करो, मेरे लाल को, मेरे आंखों के रतन को मारना नहीं। भीमा का अपराध क्या है कि आपने उसे मृत्यु दंड की सजा दी है? तो तू भीमा की माँ है मंत्रेश्वर? जी महाराज। ये वृद्धा को उसके बालक के बदले में जो चाहे वो दे दो। मैं विधवा हूँ, भीमा मेरा इकलौता पुत्र है, मेरे जीवन का आधार है महाराज। बुढ़िया, तेरे पुत्र के जीवन के बदले में कुछ भी मांग। तेरा पुत्र बड़ा होकर दिन रात मजदूरी करके जो तुझे कमा के नहीं देगा वो मैं दे दूंगा, बहुमूल्य धन। तेरे सारे जीवन में धन कम नहीं होगा, इतना दूंगा, मांग। मुझे नहीं चाहिए आपका धन, ना अखंड भंडार। लंकापति राजा रावण, अपने बेटे के बदले में मांगती हूँ तेरी बेटी के प्राण। ये मैं नहीं बोलती महाराज, मेरी आत्मा बोल रही है। जो जीवन तुम दे नहीं सकते उसे हरने का तुम्हें अधिकार नहीं है। मैं तुम्हारी जीभ खींच लूंगा। तो मेरे रग रग से जीभ निकलेगी और यही कहेगी। सैनिकों, दूर करो इस बुढ़िया को मेरी आंखों के सामने से। याद रख रावण, इस गरीब माँ की आत्मा को रुलाएगा तो तेरी सोने की लंका मिट्टी में मिल जाएगी, तेरे यहाँ बेटी तक नहीं रहेगी। तू मुझे श्राप देती है? मेरे सामने किसी का श्राप, ना किसी का शान, ना किसी का तप। मैं कौन? विधि के लेख पर मेक मारने वाला लंकाधिपति रावण। ना चले तप और ना चले ज्ञान, सफल विधि का विधान। चल 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 चल, अरे चल 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 चल। दया करो, मेरे बच्चे को मारना नहीं, दया करो, कुछ तो दया करो। बढ़िया, तुझे भी इसके साथ मरना है, चल। बेटा, चाहे मुझे मार दो पर मेरे बेटे पर दया करो, इसे मत मारो। ए कालू, ये बुढ़िया कब से चेचे कर रही है, मार इसे। चल 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 चल। अरे रुक, अभी मत मार, इसके साथ मेरा पांव भी कट जाएगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे पानी में गया वो। अरे अच्छा हुआ कालू, भगवान ने हमसे पाप होने से बचा लिया। हाँ कालू, पर मार सके ना कोई, जो लिखा विधाता ने ए, मिटा सके ना उसे कोई। ज्योतिषी जी। जी महामंत्री जी। महाराज की आज्ञा के अनुसार और आपके बताए हुए मुहूर्त के अनुसार कल प्रातः काल के समय घोघा नगर के मुख्य द्वार पर जो भी बालक या युवक प्रथम प्रवेश करेगा उसे युवराज पद दे दिया जाएगा। बेटा यहाँ आओ, बेटा यहाँ आओ। बेटा तुम्हारा नाम? भीमा। युवराज भीमा की जय। युवराज भीमदेव की जय। युवराज भीमदेव की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शंकराय नमः। ओम शंकराय नमः। बहुत अच्छे। ओम रुद्राय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय पिताश्री। हाँ पुत्री। मैंने आपसे पहले विनती की थी, वो याद है ना? क्या पुत्री? मुझे यात्रा पर जाना है, आज्ञा दीजिए। खुशी से जाओ। मंत्रेश्वर, राजकुमारी की यात्रा की तैयारी करो। जैसी आज्ञा महाराज। माँ, मैंने तो ये नया सुना पिताजी, जिसके यहाँ देवता नौकरी करते हो उसकी बेटी को यात्रा के लिए जाना पड़े। अरे आप आज्ञा तो कीजिए, मैं यात्रा को उठा ले आऊं और सारे तीर्थ यहीं पर बुला लूं। हीरा, मुझसे ना कहे लाख हमारा मोल, ये पत्थर है अनमोल। चुप। हीरा जी, मुझे तुम्हारी बुद्धि शक्ति में पूर्ण विश्वास है। आप ही एक सच्ची जौहरी है जो मेरी कीमत आकी, बाकी दूसरे सब तो कुछ भी कहिए, पर रुद्र तो सबके पूज्य है, वो हमारे पास नहीं आते, हमें ही उनके पास जाना चाहिए। जैसी मर्जी राजकुमारी जी की। मंत्रीश्वर, कली मूरत दिखाइए। जैसी आ गया महारानी जी। चल बेटी। हीरा जी। पिताश्री, तुम्हें काम करना है। एक, अरे दस कहिए ना। बीच में तुम्हें घोघा जाना है। किस लिए? यात्रा करने? वो नहीं, पर वहाँ के प्रधान के पास एक पंच कल्याणी इंद्राणी नामक घोड़ी है, उसे तुम्हें साथ लेके आना है, समझे? छड़ी, रूपा की मशाल, जरी के वस्त्र, मोती की माला, राजा धीराज प्रजापति पाल, घोघा नरेश, विजय सिंह जी महाराज पधार रहे हैं।
सेनापति जी, दरबारियों और नगरवासियों, आज के शुभ दिन पर घोघा राज के युवराज पद पर कुंवर भीमदेव का अभिषेक किया जाता है। युवराज भीमदेव की जय। युवराज भीमदेव की जय। युवराज भीमदेव की जय। महाराज रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए। संगार लोगों के सरदार ने हमारे घर जला दिए, हमारे खेत और धान जला दिए, और क्या? और महानर्थ हो गया महाराज, हमारे गांव की जवान लड़कियों को उठा ले गए महाराज। सेनापति, सैनिकों को सावधान रहने के लिए कहो, प्रजा के रक्षण के लिए मैं खुद जाऊंगा। नहीं महाराज, अपने राज्य की सरहद पर निर्दोष रैयत को लूटते संहार लोगों से मुक्ति दिलाने मैं ही जाऊंगा। नहीं युवराज, आज के शुभ दिन मैं आपको नहीं जाने दूंगा। पिताश्री, आज का दिन मेरे लिए महान है, मेरी बहादुरी दिखाने का और प्रजा के विश्वास को पाने का यही तो अवसर है। आज्ञा दीजिए महाराज। सुना है कि लुटेरों का यहाँ बहुत भय है। मुझे तो डर लगता है। अरे डर लग रहा है तो फिर यहाँ क्यों आई हो? हाँ, जब तक ये पत्थर यहाँ है तो किसी को डरने की जरूरत नहीं। हाँ, सब निर्भय हो जाओ। अरे ये पत्थर जैसी मूंछ पर नींबू लटकाने वाले और इनके जैसे वीर रक्षा करने वाले हो, फिर डरने की क्या जरूरत? जब ये है तो डरने की बात क्या? अरे मैं तो मूंछों पर नींबू लटका के घूमता हूँ, पर हमारे हीरा बापू मूंछों पर कलिंगर लटका कर घूमते हैं। इनके जैसा कोई मर्द नहीं। क्या कहते हो बापू? मूंछे ना कहें, लाख हमारा मोल। और ये पत्थर है अनमोल। हेरो झांझुड़ी, देख लो ये पड़ाओ, आज ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा है और तुम्हें बहादुरी दिखानी है। अरे अमर, बहादुरी तो दिखानी है, जो डर जाए वो दूसरे, ये झांझुड़ी नहीं। आज देखना इस झांझुड़ी का कमाल, सबको पता चल जाना चाहिए। अमर, ये संख तो मेरे बाएं हाथ का खेल है और इस संख को मैं तहस महस कर रख दूंगी। है। चलो। अरे पत्थरिया, ये आती हुई टोली किसकी है? हीरा बापू, हमारी तरह कोई संग यात्रा पर निकला हुआ है। अरे ओ अकल के दुश्मन, ये तो कोई लुटेरे लगते हैं। अभिजीत जी, राजकुमारी जी, सावधान रहना, शायद लड़ाई हो। लड़ाई होगी तब तो मारे जाएंगे। पर अब क्या होगा, डर लगता है तो आ जाओ हमारे पीछे। कैसा डर? चल पत्थरिया, हमें तंबू के पीछे ले चल, पीछे से कोई हमला ना करे, इस बात का ध्यान रखना। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो। चुप, रुक जाओ। चलो लूट लो सबको, कोई बच नहीं पाए। लूट लो सबको। आ जाओ, कोई है मर्द मूछो वाला? हैं, ये तो बिना मूछो वाली है। सच कहूँ तो मैं अबला पर वार नहीं करता, मगर उसकी आँखों के वार मेरे हृदय पर लगते हैं। मर जा कायर। कायर नहीं, मैं तो शायर हूँ, शायर हीरा, मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। हट, ये पत्थर है अनमोल। Yeah.
केशव, इन लुटेरों के हाथों से बचना मुश्किल लगता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही लगता है। तू एक काम कर, कैसे भी करके घोगा जाकर मदद ले आ। लेकिन यहाँ पर कौन? मैं संभाल लूंगा, तू जल्दी जा। दुष्ट, तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। नागिन, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तेरी मौत यहाँ तुझे लाई है। सुंदरी, ये नैनों के वार क्या कम है जो तलवार से वार कर रही हो? इन हाथों में पत्थर जैसे शरीर को भी तोड़ने की ताकत है दुष्ट। तुझे भी छोड़ूंगा। अरे हट ना। अरे छोड़, मैं तो अब तुझे छोड़ने वाला नहीं। मजा चखाता हूँ तुझे। ये ले तलवार का एक वार चुक गई तो क्या हुआ वन कुमारी? तलवार का दूसरा वार करने के लिए तलवार उठाइए। नजरों के वार से घायल हुए को वार करने को कहते हो? चलो आगे बढ़ो। अमर, देखा ये झांझुड़ी का कमाल? शाबाश झांझुड़ी, शाबाश। अरे आज तो तूने कमाल कर दिया। कमरिया। जी सरदार। मैं इन लोगों को लेकर वंदेवी के पास जाता हूँ, तो लूट का सारा माल लेकर जल्दी आ जाना। चलो। अंगारे, इसे अलग कर। वन माता, इसे अलग क्यों करने के लिए कह रहे हैं? अंगारे, इसे अलग कर। इसे क्यों अलग कर रहे हो? देव भोग के लिए हमें अपने देवता को कुंवारे दंपति का भोग देना है, ये तो तुम्हें मालूम है ना झांझुड़ी? वन माता, मुझे मेरे लूट के भाग के बदले में
ये चाहिए। और वन माता, मुझे मेरे भाग में ये चाहिए। ओए, ये मेरा भाग है, किसी को नहीं मिलेगा। हाँ। चुप चीटे, मुझे मरना नहीं है। बच्चों, देव भोग किसी को नहीं मिलेगा। हे नूरिया बाबा, बच्चों की बातों को माफ करना, सबका कल्याण करना मेरे देव। वन माता, भोग देने से पहले हमारे रीति रिवाज के अनुसार इन लोगों को तैयार करके विधि करें। मैं ढूंढिया बाबा को खबर दे के आता हूँ कि अमावस्या के दिन इन कुंवारे दंपतियों का भोग देंगे। आप्राम काप्राम स्वाहा, आप्राम काप्राम सिद्ध आग पानी, हो प्रसन्न भैरव नाथ, हो प्रसन्न भैरव नाथ, हो प्रसन्न भैरव नाथ। हे महाकाल, हे भैरव नाथ, मैंने 106 भोग दिए हैं, ऊपर से 2 भोग और मैं अजर अमर त्रिभुवन का नाथ, देव दानव मानव मेरे दास, रिद्धि सिद्धि समृद्धि मेरे चरणों में है। ओम अभ्राय कद्रप्राय स्वाहा, जय महाकाल। ढूंढिया बाबा की जय हो। क्या खबर लाए हो अंगारे? वन माता का संदेश लेकर आया हूँ बाबा। क्या है? अमावस्या के दिन भोग देने के लिए कुमारे दंपत्ति की व्यवस्था हो गई है। शाबाश। दूधिया के पास एक नया शिकार। हाथ दो, जल्दी हाथ धो। कैसी है, कल इन दोनों का भोग लगेगा, इनको रक्षण में लो वन माते। ठीक है पुरोहित जी। अंगारे। जी वन माता। इन दोनों को संभालने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपती हूँ। जी। एक ही झोपड़े में साथ में रखना, मगर इस बात का ध्यान रहे कि ये आपस में मिले नहीं। जैसी आपकी इच्छा वन माता। बाकी बेवकूफ मंडली को जंगल के बाहर छोड़ दो। ले चलो। तारा, तेरा देवता को भोग? नहीं, मैं किसी भी स्थिति में तेरा भोग देवता को नहीं देने दूंगा। अरे जरूरत पड़ने पर संघार जाति का सर्वनाश कर दूंगा, ढूंढिया पीर को जला दूंगा। ढूंढिया बाबा, या तुम नहीं या मैं नहीं, कुछ भी हो मैं तुम्हें कुंवर का भोग लेने नहीं दूंगी।
भाग मेरा है, देवताओं का कैसे? कुंवर, तुझे पाए बिना मैं नहीं जीऊंगी, मैं तेरा हरण कर लूंगी। कुंवर, कुंवर। मुंह क्यों उतरा हुआ है? आने वाली मौत के विचार से भय लग रहा है? तुम मानती हो वैसा नहीं है, पर क्यों रुक गए कुंवर? क्या कहना चाहते थे आप? कैसा विचित्र, जैसे कोई स्वप्न है ना? नापसंद विधि तो जरूर हुई है, परंतु जो हुआ है वो तो हकीकत है, वास्तविक सत्य है, स्वप्न नहीं। मतलब? विधि की रीत जाने दो, मूल हेतु तो सत्य और शाश्वत है, उसे स्वीकारना होगा। नापसंद विधि से ही सही, मैं तुम्हारी पत्नी तो बन ही चुकी हूँ। ये क्या कह रही है तारा देवी, ये तो जंगलियों की जंगली प्रथा का एकमात्र नमूना है, उसे तो कई बार सत्य भी किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में आता है, विधि का यही लेख है। और कल तो नहीं नहीं कुंवर, आज की रात तो हमारी सुहाग रात, ऐसा लग रहा है कि हम जन्म जन्म साथ रहे। विवाह के बाद की पहली रात तो सबकी सुहाग रात होती है, पर विवाह के पहले की सुहाग रात तो शायद ही किसी के जीवन में आती होगी। शरीर भले ही जुदा हो, पर मन और प्राण तो कब के एक दूसरे में समा गए हैं। तारा। हाँ मेरे भीमदेव, आज की रात पहली और आखिरी है, आने वाले कल में तो हमारा वध होगा, इसलिए हमारे सही सुहाग रात तो। तारा, तुम चुप नहीं रहोगे? अभी से आप हुकुम चलाने लगे, अभी तो मैं आपकी धर्मपत्नी हुई कहाँ हूँ। चुप रे कलमुही डायन, घोगा का वर तो ये वन सुंदरी का होगा और तू होगी काल भैरव का भोग। जानचूड़ी, चुप कर। चलो उतर। मैं? हाँ तू। और देख, हाँ? संभाल के उतर, जरा भी पांव फिसला तो तू गया नीचे। हाँ हाँ। अरे यहां तो बहुत अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, तुम आगे चलो। चल। ठीक है, चलो। के मुंह से मैंने तुझे छुड़ाया है,
मेरी रानी बन जाओ। तुम्हारी रानी? तुम्हारी रानी बनने से तो मर जाना अच्छा है। कह रहा हूँ सीधी तरह से मान जा तारा, नहीं तो क्या करोगे तुम? क्या करूँगा, मुझे बल का प्रयोग करना पड़ेगा। सियार कितना भी बलशाली क्यों ना हो, परंतु वो सिंह की बराबरी कभी नहीं कर सकता। अमर तारा, तारा, तारा कहाँ भाग रही हो? छोड़ मुझे। तारा मैं कह रहा हूँ मान जा। तारा, तारा मैं कह रहा हूँ मान जा मेरी बात। तारा मान जा, मान जा मेरी बात। तारा, मान जा। तारा कहाँ जाती है? कुंवर, दो दो बार तुमने मुझे बचाया, तुम्हारा ये ऋण मैं किस प्रकार चुकाऊंगी? चांद सूरज को साक्षी मानकर सातों जन्म साथ रहने का वचन देने के बाद तारा, ये ऋण चुकाने की बात हमारे इस प्यार को हिसाबों में तोल देगी। तुम्हें बचाया वो तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए। तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? बातों का समय नहीं है कुंवर, जल्दी से यहाँ से निकलें, यही हमारे हित में है। ठीक कहा, चलो चलो। बाबा, अमर और झांझुड़ी उस नव दंपति को लेकर भाग गए हैं। अमर और झांझुड़ी की ये हिम्मत, उन्होंने दूधिया बाबा के भोग पर नजर बिगाड़ी। मेरे भोग पर नजर बिगाड़ने वालों की मैं आंखें फोड़ दूंगा। मेरे भोग पर हाथ लगाने वालों के टुकड़े टुकड़े करके उसे जिंदा तरसा तरसा के मारूंगा। भविष्य में कोई दीन मेरे भोग को भगाने की कोशिश ना कर सके। दया करो बाबा। ये तुम्हारे बुरे कार्यों का परिणाम है माते अंगारे। जी बाबा। अमर और झांझुड़ी जहाँ हो वहाँ से पकड़कर मेरे सामने लाओ, जाओ। उठोगी नहीं? मुझे किस लिए जगाया? अब मुझे सोना है। तो किसने मना किया? जैसे तुम मेरे सीने पर सर रखकर चैन से सो रही थी, वैसे ही मैं भी सोना चाहता हूँ तुम्हारे। नट नटखट। अरे सुनो तो, रुको। बाबा, इन दोनों अपराधियों को पकड़ कर लाया हूँ। बोलो, वो नौ दंपति कैसे भाग गए? तुम्हें मालूम नहीं था कि वो देव भोग थे? तुम्हें उनका ध्यान रखना चाहिए था। गलती हो गई बाबा। चुप रहो। बाबा, दोनों की नियत में खोट थी। झांझुड़ी की नजर कुंवर पर और अमर की नजर तारा पर। दोनों अपनी चाहत पाने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हें मालूम है देव भोग यानी धुड़िया का भोग, फिर भी तुम्हारी नियत में खोट आई। हराम खोर, बोलो बोलो कहाँ छुपाया है उन लोगों को? बाबा बाबा, हमने कहीं नहीं छिपाया है, परंतु घोघा का राजकुमार
भीमदेव तारामती को उठा के कहीं चला गया है, वो भी झांझुड़ी के कारण। नहीं बाबा, अमर झूठ बोल रहा है, ये सब गड़बड़ इस मूर्ख की वजह से हुई है। किसके कारण क्या हुआ ये महत्व नहीं, पर तुम्हारी मूर्खता के कारण आज मेरी साधना में विघ्न खड़ा हो गया, और इसके कारण मेरी साधना पूर्ण है, इसलिए तेरा भोग लेना पड़ेगा। अंगारे जी बाबा, इन हराम घोरों को बंद कर दो। और कोई हुक्म? तू और जिंगारे दोनों जाकर इन नौ दंपतियों को मेरे सामने मार कर लाओ। जाओ जाओ, ले जाओ। हीरा बापू, ये क्या कर रहे हो? धार निकाल रहा हूँ, खंजर की धार। लड़ाई में मेरी तलवार ने कभी जितना खून नहीं पिया, इसीलिए ये खंजर की धार निकाल रहा हूँ। और धार ना निकालू तो ये बैंगन काटने के भी काम ना आए, समझे? ए हीरा, राजकुमारी को ढूंढने नहीं जाना? क्या कहा? राजकुमारी को ढूंढने। हीरा बाबू, वो लुटेरे आ रहे हैं। लुटेरे पेड़ पर चढ़ जाए। चढ़ जाओ। अरे हीरा जी, ये तो गोगा नरेश विजय सिंह और मंत्रेश्वर आ रहे हैं। तो चिंता की बात नहीं। महाराज की जय हो। रणजीत, केशव ने जैसे ही समाचार दिया मैं तुरंत यहाँ के लिए रवाना हो गया। महाराज, युवराज को संगारों ने बंदी बना लिया है और हमें जंगल से बाहर निकाल दिया है। चिंता मत करो, अब हम आ गए हैं। परंतु ये कौन है? लंका के प्रधान पुत्र हीरा। मुख से ना कहे लाख हमारा मोल, ये पत्थर है अनमोल। केशव जी। महाराज, सबको घोगा हवेली पहुंचाने की व्यवस्था करो। और मंत्री जी। महाराज, चलिए हम राजकुमार की तलाश में चलते हैं। जैसी आज्ञा। अरे ये तो पिताश्री आ रहे हैं, साथ में मंत्रीश्वर भी हैं। पिताश्री। बेटा भीम। पिताश्री। बेटा तू कैसा है? तू अच्छा तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? मुझे कुछ नहीं हुआ पिताश्री, आप मेरी चिंता ना करें। मुझे चिंता नहीं होगी तो किसी और को चिंता होगी क्या? आखिर मैं तेरा पिता हूँ। जैसे ही केशव ने मुझे समाचार दिया मैं तुरंत तेरी मदद के लिए चला आया, कहीं मेरे बेटे को कुछ हो ना गया हो, ये विचार पूरे रास्ते मेरे मन में आता रहा, पूरे रास्ते मेरे मन में आता रहा। पिताश्री। बेटा ये कौन है? ये तारा। तारा? लंका नरेश की पुत्री, लंका की बेटी। अच्छा, धन्य घड़ी धनभाग हमारा कि लंका नरेश की सुपुत्री हमारी मेहमान बनेगी। मंत्री जी। जी महाराज। आप तुरंत जाइए और लंका नरेश की सुपुत्री के स्वागत की तैयारियां कीजिए, हम आपके पीछे ही आ रहे हैं। जैसी आज्ञा महाराज। चलो बेटा। चलो, आपके ससुर जी की आज्ञा है। हमारे हाथ से बचना आसान नहीं है युवराज। ये कौन? मेरे पिताश्री। ओ, घोघा के महाराज स्वयं। काल भैरव, तू देता है तो दिल खोल के देता है। ये काल भैरव को तेरा और तेरे पिता का भोग देना पड़ेगा। अब 108वां भोग होगा। काल भैरव मुझ पर प्रसन्न होंगे और फिर मैं अजर अमर त्रिभुवन का नाथ बनूंगा। अंगारे, ले जाओ इन दोनों को, भीमदेव को भोग के लिए और महाराज को शादी के लिए तैयार करो। जाओ। नहीं नहीं, आप कुंवर का भोग मत देना, मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी।
आप महाराज का विवाह इसके साथ कर दीजिए। मूर्ख, तू मुझे सलाह देती है मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है? उस बात का ज्ञान है झांझुड़ी, तेरा विवाह होगा राजा के साथ। हाँ, दोनों बाप बेटा का भोग देंगे और तू होगी मेरी 107वीं रानी। सिंगारे ले जाओ झांझुड़ी को और विवाह के लिए तैयार करो। अब्राम कराब्राम स्वाहा, अब्राम कराब्राम स्वाहा, स्वाहा, अब्राम कराब्राम स्वाहा, स्वाहा। शीघ्रता करो, अब्राम कराब्राम स्वाहा। सिंगारे ले जाओ इन दोनों को, कल राजा का भोग दिया जाएगा, समझे? ले जाओ इन दोनों को, झांझुड़ी को भी ले जाओ। जय महाकाल। आओ मेरी लंका की रानी, आओ मेरे नजदीक आ जाओ। वही रुक जा राक्षस। गुस्से में बहुत सुंदर लगती हो। मूर्ख, लंकाधिपति की पुत्री के सामने आंख उठाने वाले का राई जैसे छोटे छोटे टुकड़े करके लंकेश गिद्ध को भोजन कराएंगे। भोजन जरूर कराएगा रावण, हमारे विवाह की। मेरे पैर धोएगा तेरा बाप, कहां तुच्छ मुट्ठी भर लंका का राजा और कहां त्रिभुवन का नाथ नरकासुर। तू मेरी 108वीं रानी, महारानी, पटरानी। हमारा विवाह होगा? कदापि नहीं। आज ही अपना विवाह होगा। हे रुद्र, हे शंकर, हे अभयंकर, हे शैलेंद्र, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। Thank you.
निशाचर भागे, भूत पिशाच निशाचर भागे। मेरे हृदय की स्वामिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तप तप मेरे जैसे पति को पाने के लिए तुम फूल चावल गुलाल से पूजा करती हो ना, तो थोड़ा मिर्ची का धुआं भी करती रहो ना। क्या कहा? अरे मैं तो ये कह रहा था कि मेरे जैसा पति मिले तो तुम पूजा करोगी ना। हाँ, पति की पूजा तो जरूर करूंगी, मगर लकड़ी से। लकड़ी से? लकड़ी से। जैसा देव वैसी पूजा, गोबर का देव और रुई की आंखें। लो चली गई है, हीरा को गोबर कर दिया इसने। पत्थर सिंह, हीरा सिंह कहाँ है? मंत्री धर के वहाँ इंद्राणी को लेने गए हैं। ओ, जाओ उनको जल्दी बुला के लाओ। जी, मैं यूं गया और यूं आया। अरे मेरी इंद्राणी, मुझे अकेला छोड़कर तुम कहाँ छुप गई? हाँ, मेरा नाम इंद्राणी और काम नींद का। नींद का? अरे तू तो नींद में बैठी है कि बैठी बैठी नींद ले रही है? मुझे लगता है कि पूजा के समय में भी झपकी लेती होगी। बापू, ए बापू, क्या है ये क्या कमाल है? ये भी कोई सोने का वक्त है? ये इंद्राणी है कि निंद्राणी? पलंग नहीं, पत्थर। अरे पत्थर, तू यहाँ क्यों आ गया? आया नहीं, जाना है। कहाँ जाना है? लंका, कुंवर के साथ। तैयार हो जाओ। हैं, लंका जाना है? चल चल। इनको भी साथ ले जाना है, पिताजी ने कहा था, कुछ याद है? हाँ। पर पिताजी ने तो इंद्राणी नाम की घोड़ी ले आने के लिए कहा था। अब घोड़ी हो कि छोरी, एक ही बात है। समझ गया, हमें क्या, हम तो तुम्हें ही ले चलेंगे। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? लंका। मेरी माँ ने ना कहा तो? तो पिताजी को यहाँ भेज देंगे, पर आज से तुम मेरे साथ। और मैं भी। क्या बोला? मैं तुम्हारी बात पूरी कर रहा था। तो फिर ठीक है। हाँ, चलो मेरी गजगामनी, हम लंका चलते हैं। माधवी, पत्थर सिंह हीरा सिंह को बुलाने गए, वो भी हीरा सिंह के साथ बैठ गए क्या? नहीं, आ गई राजकुमारी। कहाँ रह गए थे इतनी देर तक? पिताजी ने प्रधान की इंद्राणी लाने को कहा था, इसीलिए रुका था। तो लाए? हाँ, मंत्री जी का सौंपा हुआ काम जो पूरा करना था। हाँ? ये रही, देखो। अरे तुम तो घोड़ी लेने गए थे ना? घोड़ी नहीं मिली तो छोरी ले आया, और घोड़ी और छोरी में क्या फर्क? अब जल्दी यहाँ से चलिए, नहीं तो फिर से सो जाएगी। देखो सो गई ना। चलो चलो, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो चलो। हाँ युवराज जी, तारा देवी की विदाई की सारी तैयारियां हो चुकी है ना? हाँ पिताश्री। लो तारा देवी आ गई। आशीर्वाद दीजिए महाराज। चिरंजीवी रहो बेटी, आप तो लंका नरेश की सुपुत्री हैं, और हम छोटे से घोगा गांव के नरेश, अगर हमारी मेहमान नवाजी में कुछ कमी रह गई हो तो। ये क्या कह रहे हैं महाराज? जिस मेहमान नवाजी में मन के भाव हो, उसमें गलती कैसी? सब कुछ भूलेंगे, पर आपकी मेहमान नवाजी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। बेटी, लंका नरेश को हमारा वंदन कहना। अवश्य महाराज। और आपको लंका के द्वार तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है युवराज। जी पिताश्री। राजकुमारी तारा देवी को लंका तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूँ, ये मेरी आज्ञा है। जैसे आज्ञा पिताश्री। और हमारी राजकुमारी की इच्छा? चुप। चलिए तारा देवी। तारा देवी, घोघा से जाते हुए मार्ग में श्रवण स्मृति मंदिर आता है, हम वहां दर्शन करने जाएंगे। अवश्य मेरे भीमदेव, अवश्य जाएंगे। ओ, तो कुंवर तारा को लंका के द्वार तक पहुंचाने गया है क्या? हाँ झंझुड़ी, तेरी जल्दबाजी के कारण मैंने तारा को गंवाया, वरना आज तारा मेरी होती। अरे तेरी जल्दबाजी के कारण मैंने कुंवर को गवाया, वरना कुंवर मेरा होता। मेरी जल्दबाजी? हाँ। क्या मेरी जल्दबाजी? हाँ, तेरी जल्दबाजी। और तू कुंवर को उठाने नहीं गई थी? और तू राजकुमारी को उठाने नहीं गया था? वो तो पहुंच गई होगी लंका के द्वार पर। झांझुड़ी, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। अरे मैं उन लोगों को लंका के द्वार तक पहुँचने दूंगा तब ना। ऐसा? तो फिर अमर, कुंवर को तो मैं अपना बनाकर रहूंगी। वाह, कैसी सुहानी रात है, सुगंधित पवन मंद मंद बह रही है, पेड़ पौधे भी आहिस्ता आहिस्ता डोल रहे हैं। ऐसी मजे की रात में बस एक ही काम करने को मन होता है, आंखों में
मैं ये कह रहा हूँ कि तुम यहाँ सोने के लिए आई हो। अरे रानी देखो कैसी सुहानी रात है। हाँ कितनी मजे की रात है। है ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। पवन भी कैसा मंद मंद बह रहा है। अरे वाह मेरी प्यारी, मैं यही तो कह रहा हूँ। पेड़ भी कैसे आहिस्ता आहिस्ता डोल रहे हैं। डोल रहे ना, यही यही कह रहा हूँ मैं। ऐसी रात में तो एक ही काम करना चाहिए। कौन सा काम? सोने का। लो ये तो सो गई। मुझे लगता है कि ये इंद्राणी पैदा होने के साथ रोई नहीं होगी, पर खर्राटे जरूर लिए होंगे। अरे तेरी नाक है कि बसता हुआ नगाड़ा। क्या सोच रही हो तारा देवी? कुंवर तुम मेरा ध्यान रखने आए हो ना? पर क्या ध्यान रखा? क्यों क्यों क्या? मेरी रातों की नींदें चोरी हो गई, मेरा दिल चोरी हो गया। चुराने वाले का नाम कहो, अभी प्रस्तुत करता हूँ। कहूँ? उसका नाम है युवराज भीमदेव। उसने ही चोरी की है। पर बदले में कुछ दिया है ना? क्या? मेरा दिल, मेरा सर्वस्व। फिर भी तुम्हें संतोष ना हो तो पहना दो मुझे तुम्हारे बाहों की बेड़ी, कर लो तुम्हारी आंखों में कैद और मार दो मुझे। कुंवर। पर तारा तुम्हारे पिता लंका नरेश है, क्या वो हमारे इस प्यार को स्वीकृति देंगे? हमारा प्रेम सच्चा होगा तो मेरे पिताजी तो क्या, स्वयं भगवान भी हमारे प्रेम को अवश्य स्वीकृति देंगे। हम साथ ही रहेंगे जन्मों जन्म जन्मों जन्म। अभी भी बाजी मेरे हाथ में है, अब भी एक दांव और खेल लूं। कुंवर होगा तो सिर्फ मेरा, दूसरे किसी का भी नहीं। मंत्री जी, युवराज की कोई सूचना? महाराज युवराज भीमदेव और तारा देवी का संदेश आया है, वो दोनों कुशल से हैं। महाराज की जय हो। देवी तुम पर किसने अन्याय किया है? मुझ पर न्याय अन्याय करने वाले स्वयं महाराज है। महाराज, देवी तुम होश में तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल होश में हूँ मंत्री जी। महाराज और उनके आदमी होश में नहीं है, मैं तो हूँ। महाराज ने राजकन्या झांझुड़ी का हक छीना है। हक? कैसा हक? महारानी पद का। महारानी पद? महारानी पद? देवी तुम अपनी मर्यादा में रहकर बात करो, तुम किस पर दोष लगा रही हो जानती हो? हाँ मैं जानती हूँ मंत्री जी, पूछिए आपके महाराज को। महाराज हमारा विवाह हुआ था कि नहीं? देवी तुम्हारे पास कोई सबूत है, कोई साक्षी है? साक्षी? हाँ मेरे पहले साक्षी है काल भैरव और दूसरे साक्षी दहकते हुए अग्निदेव जो झूठ को जलाकर भस्म कर देते हैं, और तीसरा साक्षी ये अंगूठी राज का चिन्ह, देखिए ये मेरे विवाह की निशानी है। मंत्री जी मैंने आपको कहा था ना कि मेरी बेहोशी की अवस्था में उस साधु ने अपनी गुफा में किसी के साथ मेरा विवाह करा दिया था। महाराज इस विवाह को आप नाटक कहकर बच नहीं सकते, दुनिया में कोई भी स्त्री अपने ही विवाह को कभी भी नाटक नहीं मान सकती। विवाह के विधि समक्ष ही मैं आपकी पत्नी बन चुकी हूँ, ये अगर नाटक है तो दुनिया में आज के बाद ऐसे पवित्र संबंध को कोई मानेगा नहीं, स्वीकारेगा नहीं। घोगा नरेश कहाँ गई आपकी न्यायप्रिय बातें? मुझ पर अगर अन्याय होगा तो न्याय पर से लोगों की श्रद्धा उठ जाएगी, प्रजा का राजा के प्रति विश्वास उठ जाएगा। मैं न्याय मांग रही हूँ भीख नहीं, मैं मांग रही हूँ अपना हक, केवल हक। महाराज आपको कुछ कहना है? मंत्री जी ये अंगूठी मेरी ही है, पर ये मेरे खिलाफ कोई साजिश है। तो फिर इस देवी को? अन्याय नहीं होगा, आप दरबारी और प्रजाजन जो भी न्याय करेंगे मुझे स्वीकार होगा। दरबारियों आप सबने जो मुद्रिका देखी, आप सब साथ मिलकर न्याय कीजिए। न्याय एक ही है कि इस देवी को उसका हक मिलना चाहिए। महारानी जी घोघा की प्रजा ने और घोघा के महाराजा ने
आपका हक मान्य रखा है। पधारिए, पधारिए। विराजिए। बोलो महारानी जी की जय। महारानी जी की जय। महारानी जी की जय। युवराज की जय हो। होगा से ये संदेशवाहक संदेश लेकर आया है। कोई गंभीर बात है कुंवर? हाँ, पिताश्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझे याद कर रहे हैं। तारा देवी, मैं आपको लंका तक छोड़ने नहीं आ सकता, मुझे अभी जाना होगा। तो अवश्य जाइए, जन्म जन्म साथ रहने वालों को यदि कुछ दिन की जुदाई सहनी भी पड़े तो इसके लिए दुख कैसा। पर एक वचन देते जाना। क्या? लंका पहुंचने के साथ ही मैं पिताजी से हमारी बात करूंगी और आपको संदेश भिजवाऊंगी। आप वहां आओगे ना? अवश्य आऊंगा, अवश्य आऊंगा। ढोल नगारों के साथ तुम्हें लेने आऊंगा। तारा देवी, मैं जाने की तैयारी करूं। ठीक है। मंत्री जी। महाराज। युवराज की कुछ सूचना। पिताश्री। आ गए बेटा? हाँ। आओ 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 बैठो। बेटा, यात्रा तो अच्छी रही ना? हाँ। किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं, पर महाराज मुझे इस तरह, मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई थी ना, इसीलिए। कोई चिंता की बात नहीं है, तुम आराम करके आओ, फिर सारी बातें करेंगे। महाराज। युवराज, ये हमारी नई राजमाता, प्रणाम करो। युवराज। महाराज, यही युवराज है। हाँ, तुम्हें मिलने, तुम्हें देखने के लिए ये कब से आतुर थी। आतुर कैसे न हो, दुनिया में कौन सी माँ अपने बेटे का मुंह देखने को तड़पती न हो। नसीब वाली स्त्री को ही ऐसा सुपुत्र मिलता है। युवराज, तुम सफर से थक गए होंगे ना, इसलिए स्नान करके आराम करो, बाद में हम माँ बेटे बैठकर आराम से बातें करेंगे। तुम अभी जाओ, मैं तुम्हें बुलाऊंगी। तुम्हारे साथ तो मुझे चलो चलो पानी भरने चलो, चलो वहां पर नहाएंगे, मौज मस्ती करेंगे। hey! इस तालाब में से किसी को पानी नहीं भरने दूंगा। क्यों क्यों, ये देख ऐसे। गधा कहीं का है, ये मटकी क्यों फोड़ी। hey! मुंह संभाल कर बात कर वरना। ये पानी और तालाब तेरे बाप का है क्यों? अबे ओए, मेरे बाप का नहीं बल्कि मेरा है। और सुन, पानी भरने की बात तो दूर रही, अरे तालाब के पानी को हाथ तो लगा। अरे हाथ तो लगा। मैं तो पानी पीऊंगा, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। मारा मुझे। हीरा, ये इंद्राणी क्यों रो रही है? उसने मुझे मारा, इसलिए रो रही है। पर मारने का कोई कारण? मैं पानी पीने जा रहा था, लेकिन अब आप आ गई है ना, मैं पानी पीऊंगा। हाँ, हाँ। खबरदार, कोई भी पानी नहीं पिएगा। ओ, तो तू है, किस लिए पानी नहीं पिए? ये मेरी इच्छा की बात है। लोग तो पानी के पियाऊ बनवाते हैं। लोग चाहे बनवाएं, पर मैं नहीं बनवाता हूँ। अगर तुम्हें अपने आदमियों को पानी पिलाना है तो फिर मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? पहले वचन दीजिए, दूसरी बात बाद में। तुम्हें जो भी चाहिए वो बोलो, पर पहले इन लोगों को पानी भरने दो। ये लोग तभी पानी भर सकते हैं जब तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार करोगी। बोलो क्या जवाब है? ऐसा? तो आओ मेरे साथ। बोलो क्या कह रहे थे? तुमने जो सुना मैंने वही कहा, तुम मेरी पत्नी बन जाओ,
कुछ और मांग मूर्ख, मुझे संभालना आसान नहीं है। तुमने अभी तक मेरी शक्ति देखी नहीं है तारा, मैं तुम्हें अच्छी तरह संभालूंगा। मूर्खता छोड़, तुझे अगर मेरा ही मोह है तो मेरा पुत्र बन जा, राज राजेश्वर बनाऊंगी, त्रिभुवन का राजपाट दिलाऊंगी और तेरी माँ बनकर सदैव तेरे साथ रहूंगी। नहीं नहीं, मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए तू, और वो भी मेरी पत्नी के रूप में। मुझे पत्नी के रूप में रखने के लिए तो तुझे रुद्र बनना पड़ेगा। मैं उससे भी बढ़कर हूँ बढ़कर। नर जब कोई देखे नारी तब उसका अहंकार बढ़े, जननी वरदान का ध्यान रखे ना, हाथ बढ़ाए वो पाप भरे, हाथ बढ़ाए वो पाप भरे। ए, भूल गया है जिसने जन्मा उस पर ही वो प्रहार करे, नारी की ध्वनि में शंख बजे है, नारी देवी का रूप धरे, नारी देवी का रूप धरे। हे धीरे मानव समझ न पाए नारी, उससे आनंद प्रयोग करे, नारी जब ले रूप कारी का देख के उसको फिर वो डरे। हे धीरे वेश काली में आगे माता उसके पापों का अंत करे, उसके पापों का अंत करे।
आपके आज्ञा अनुसार किसी को भी सूचित किए बिना चुपके से आया हूँ। कहिए, क्या भय है, किसका षड्यंत्र है? कामदेव की चालबाजी है। क्या? जन्म जन्म की भूख है। तो पिताश्री को बुलाइए। हे मूर्ख, जवानी और बुढ़ापे की आग और पानी की कभी नहीं पटती। मेरी तो पुरानी जिद है कि आग को ज्यादा से ज्यादा भड़काना। तो फिर महाराज से विवाह क्यों किया? तुम्हारे पास आने की इच्छा थी। एक पुत्र हो जाए उसे देखकर जिंदगी बिता लूंगी, परंतु। परंतु क्या? महाराज से पुत्र प्राप्त संभव नहीं है। तो फिर प्रभु भक्ति कीजिए। वाह कुंवर वाह, नजर के सामने भरा हुआ और लहराता हुआ तालाब हो और प्यासे को प्यासा रहने का उपदेश देते हो। कुंवर, मेरा साथ दे दे और फिर आग लगा, मैं जलने को तैयार हूँ। समझ से काम लीजिए माँ। अरे समझ से तू काम ले मूर्ख, मध्य रात्रि को यहाँ तुम्हें भजन गाने नहीं बल्कि भोगने के लिए बुलाया है। भोगना भूलकर भगवान को भजिए। तू ही मेरा भगवान है। तुम्हारे भगवान तो मेरे पिताश्री हैं, मैं तो तुम्हारा पुत्र हूँ। पुत्र नहीं, प्रेमी। प्रेमी? माता पुत्र के पवित्र संबंध को भूल रही हैं आप? संबंध? वो तो सिर्फ स्वार्थ के लिए और आसरा पाने के लिए किया जाता है। कुंवर, मैं तुम्हारी प्रियतमा, तुम्हें पाने के लिए तुम्हारी पत्नी बनने के लिए मैं तुम्हारी माँ बनी। मेरे हृदय पर कैसी बीती होगी तू क्या जाने। कुंवर, मेरी ये आग जैसी जवानी तुम्हारे बिना भड़क भड़क कर जल रही है, उसे तू बुझा दे, मुझे शांति दे। और सुन ले, आखिर में अगर तू मेरा नहीं हुआ तो वो लंका की लाडली के हाथ में तो तुम्हें मैं नहीं जाने दूंगी। मेरी जवानी जैसे जल रही है वैसे ही मैं उसकी जिंदगी जलाकर राख कर दूंगी, और तू अगर उसके साथ संसार बसाएगा तो मैं तेरी जिंदगी तहस महस कर दूंगी, तभी मुझे शांति मिलेगी। अगर तू मेरा नहीं तो किसी का भी नहीं। नागिन, मुझे नर्क भेजना चाहती हो? नाना, स्वर्ग में मेरे देव। वही खड़ी रहना वासना भूखी नागिन। अब यदि आगे बढ़ी तो तेरी गर्दन मरोड़ने में मुझे जरा से भी देरी नहीं होगी। उससे पहले तो ये कातिल नागिन तुम्हारे हाथ से छूट जाएगी और वासना का जहरीला डंक तुम्हारे अंग अंग में कतरे कतरे में उतर जाएगा। तू मेरा नहीं तो और किसी का भी नहीं। महारानी जी, कुंवर जी ने मुझे मां मंत्री जी। इस वक्त कुंवर यहां पर? क्या बात है महारानी जी? मां मंत्री जी, महाराजा शिकार पर गए हैं, उसका फायदा उठाकर युवराज झरोखे से अंदर आए। और क्या किया युवराज ने? क्या नहीं किया ये पूछे मंत्री जी, किसी को भी शोभा नहीं देगा ऐसा आचरण किया है उन्होंने। मेरी आबरू पर हाथ डाला, मेरा शील भंग करने का प्रयास किया है, इसलिए मुझे मेरा बचाव करना पड़ा। आप दुखी मत होइए महारानी जी, चिंता मत कीजिए, महाराज आएंगे, सबका न्याय हो जाएगा। अब आज्ञा दीजिए। आ गई बेटी, यात्रा करके आई। पिताश्री, यात्रा में आनंद तो आया ना, कोई विघ्न तो नहीं आया ना? हो, आपको क्या, आपको अभी क्या भी सब कुछ जान लेना है, अभी तो ये थक के आ रही है। चल बेटी, चल इसे आराम तो करने दीजिए, चल। अबे ओए, मैंने तुम्हें एक काम सौंपा था, क्या करके आ गया? वो तो होगा ही ना, लाया हूँ ना मेरी इंद्राणी, पैर छू पैर छू।
प्रणाम पिताश्री। है ये लड़की कौन है? इंद्राणी, घोगा के मंत्री की बेटी। अरे मैंने तो तुम्हें इंद्र की घोड़ी लाने को कहा था। क्या घोड़ी? हाँ हाँ। झूठ मत बोलिए, आपने मुझे घोड़ी या गधी लाने के लिए पक्का नहीं कहा था। लो कर लो बात, हीरा घोगे जाकर आया पर काम कुछ नहीं हुआ। मंत्रीश्वर की जय हो, महारानी जी आपको याद कर रही हैं। क्यों इस तरह अचानक? हाँ कुंवरी बाके स्वयंवर से संबंधित कुछ बात लगती है। स्वयंवर ही हाजिर है तो फिर चिंता की क्या जरूरत है? हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल, ये पत्थर है अनमोल। अरे ठीक है ठीक है, तुम अपना मोल अपने पास ही रखो। हाँ केशव तुम जाओ, मैं अभी आया। जैसे आपकी आज्ञा। पिताश्री राजकुमारी का अगर स्वयं वर हो रहा है तो हमारा भी इसी समय स्वयं वधू कर दो ना। चुप कर तू। महाराज युवराज अपराधी है, कहते हुए जी घबरा रहा है, पर नारी के शील पर हमला होता है तभी वो बोलती है, सामना करती है, फिर सामने पुत्र हो या परमेश्वर। महारानी साक्षी को बुलाइए। महामंत्री जी। महाराज पीछे के दरवाजे से कुंवर रस्सी बांधकर मध्यरात्रि को ऊपर आए थे, वो इस बात को स्वीकार करते हैं, और मध्यरात्रि को एकांत में कोई भी युवक पीछे के दरवाजे से रस्सी बांधकर किसी जवान महिला के कक्ष में क्यों जाता है? और महाराज इस वासना के राक्षस ने होश गवाकर मुझ पर हमला किया, मैं चीखी चिल्लाई छूटने के लिए कोशिश की और खींचा ताने में फुलदानी मेरे हाथ में आ गई। अपने बचाव के लिए उससे मैंने कुंवर पर वार किया और कुंवर घायल हो गए। मेरी चीखें सुनकर अंगरक्षक वहां आ गए और मैं बच गई महाराज। दरबारियों और प्रजाजन सब लोग ध्यान से सुनिए, राजकुमार निर्दोष है या दोषी है इसका न्याय आपको करना है। कुंवर दोषी है, कुंवर दोषी है। दरबारियों और प्रजाजन भविष्य में कोई भी आदमी मेरे राज्य में ऐसा कृत्य ना करें इसके लिए पंच धातु में बनाई गई एक नारी के पुतले को धधकती हुई आग में गर्म करके वासना में अंधे हुए इस पिशाच को उस पुतले से गले लगना होगा, जिससे इसकी वासना और शरीर दोनों जलकर भस्म हो जाएंगे। ले जाओ इसको मेरी आंखों के सामने से। राजा छोटा हो या बड़ा सबको निमंत्रण पहुंचना ही चाहिए। लंकापति की इकलौती बेटी का स्वयंवर है, कोई खेल थोड़ी ही है। तीनों लोगों के देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा जा रहा है। और पिताजी घोघा के राजकुंवर भीमदेव को निमंत्रण देने मुझे खुद ही जाना है ना। चलो पत्थर। चुप रहे हीरा। हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल, ये पत्थर है अनमोल। चुप। सेनापति जी सब तैयारियां हो गई? जी महाराज। जल्लाद पुतले की जांच करो। सैनिकों ले जाओ युवराज को। युवराज भीमदेव की जय। युवराज निर्दोष है, झांझुड़ी गुनहगार है। युवराज निर्दोष है, झांझुड़ी गुनहगार है।
महाराज, महाराज मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ महाराज, मैं भी पुतले को गले लगाती हूँ। हीरा जी। जी राजकुमारी। ये संदेश कुंवर के हाथ में और एकांत में ही देना है, समझ गए? समझ गया राजकुमारी जी। राजकुमारी जी आप ही कहेंगी, हीरा घोघा जाकर आया। पत्थर है अनमोल। भगवान शत्रु की भी ऐसी परीक्षा ना ले। पिताश्री मुझे तो भगवान के न्याय पर अविचल और अटूट श्रद्धा थी, बाकी मानव मात्र तो भूल के पात्र। युवराज अब राजकाज आप संभालिए, मैं संन्यास लेकर यात्रा पर जाना चाहता हूं। महाराज की जय हो। लंका से हीरा सिंह और पत्थर सिंह पधारे हैं। अंदर बुलाइए। युवराज पधारिए। राजकुमारी को लंका गए एक मास भी नहीं बीता, कहीं ये घोगा नरेश की जय हो। की जय हो। लंका नरेश की राजकुमारी तारा सुंदरी के स्वयंवर में पधारने का निमंत्रण लेकर आए हैं। और राजकुमारी तारा सुंदरी का संदेश कुंवर जी के लिए। युवराज आप लोग बातें कीजिए, मैं चलता हूँ। स्वयंवर में पधारने के लिए आपको विशेष निमंत्रण है। वो निमंत्रण मुझे नहीं युवराज को है। हीरा बापू गड़बड़ हो गई। तभी तो सब कहेंगे ना कि हीरा घोघा जाकर आया और अंदर भी गया। हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल, ये पत्थर है अनमोल। महाराजा धीराज, लंकापति राजा रावण की सुपुत्री राज राजेश्वरी तारा देवी के स्वयंवर के प्रसंग पर पधारे हुए निमंत्रित राजाओं महाराजाओं और राजकुमारों का श्री लंकापति हार्दिक स्वागत करते हैं। राजकुमारी तारा देवी जिसके गले में वरमाला पहनाएगी उनके साथ उनका विवाह होगा। पधारो राजकुमारी जी। कामंड देश के राजकुमार विक्रम सिंह, भगत के युवराज चंद्रसेन, किष्किंधा के युवराज कपिल देव, चंद्रावती के युवराज सूर्यदेव, मायापुरी के युवराज अनंग देव, रुद्रपुर के युवराज इंद्रजीत सिंह, मालवा नरेश मदन सिंह, हस्तिनापुर के युवराज नरेंद्र सिंह, भोगा के राजकुमार भीमदेव, भोगा के राजकुमार भीमदेव की जय, लंकापति राजा रावण की जय। ही आया आया कितना सुंदर देखो शादी का हौसला आया।
की बेटी रे बाजे शहनाई ढोल ताशा भी बाजा हे हे बाजे शहनाई ढोल ताशा भी बाजा छम छम करती घोड़ी पर आए वर राजा छम छम करती घोड़ी पर आए वर राजा साथ उनके बाराती माथे पे चंदन टीका हरे केसरिया के वस्त्र बोले हरे को उसको नर लंका की बेटी है घोघा कवई हो लंका की बेटी है घोघा कवई पधारिए गुरुदेव, देरी से क्यों आए? मुझे लगा कि आप नहीं आओगे। भला क्यों नहीं आऊंगा? वर्षों पहले बोले हुए आपके शब्दों का आपको पालन करना पड़ेगा इसके डर से। कौन से शब्द ज्योतिषाचार्य जी? भूल गए? आपने ही कहा था कि राजकुमारी तारावती का विवाह एक शूद्र के साथ होगा, ऐसा मेरा तप कहता है। और अगर मेरे ये शब्द झूठे हुए तो विवाह की वेदी मेरी चिता होगी। और आपने कहा था कि क्षुद्र पुत्र के साथ हुए तो मैं आत्मसमर्पण करूंगा। परंतु होने वाला विवाह तो घोघा के राजकुमार के साथ हो रहा है। नहीं, वो क्षुद्र पुत्र है ज्योतिषाचार्य। क्या कहा? घोघा का राजकुमार क्षुद्र पुत्र? हाँ लंकेश। देखो देखो ये निशान। ऐसे निशान तो बहुत होते हैं। मुनिवर सत्य कह रहे हैं लंकापति, मैं क्षुद्र पुत्र हूं। तो क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? विजय मेरे तप की हुई। नहीं, भीमदेव इस वक्त युवराज है, इसलिए विजय मेरे ज्ञान की हुई। विजय किसी की भी नहीं हुई है, विजय रावण की हुई है। विजय न तप की, न ज्ञान की, न शक्ति की, विजय होगी विधि के विधान की। कहाँ गया, कहाँ गया वो क्षुद्र पुत्र? सेनापति, वो कहीं पर भी हो उसे मेरे सामने हाजिर करो।
पिताश्री नहीं, वो आपके जमाई हैं। जमाई का खून बहाएंगे आप, पिता और पुत्री के संबंध पर कलंक लगेगा पिताश्री। विधाता ने जो लिखा है उसे स्वीकार कर लो। एक शूद्र के खून से मैं विधाता का लेख मिटा डालूंगा। तो आप अपनी बेटी और जमाई दोनों गवाएंगे? मतलब? मैं उनके लिए सती बन जाऊंगी। सती? जहाँ वो वहाँ मैं। विवाह के बाद बेटी ससुराल में शोभा देती है पिताश्री। चुप। पिताश्री तू ऐसे नहीं मानेगी। पिताश्री। हे तुलसी माता, एक दिन आप मेरा बेटा वापस कर देंगी। इसी आस में मैं 18 साल से आपकी सेवा कर रही हूँ। क्या मुझे मेरा बेटा वापस नहीं मिलेगा? नारायण नारायण नारायण, ये आपका पुत्र भीमदेव। मेरा बेटा? ये खूबसूरत नौजवान मेरा बेटा है? हाँ जी, जिसे वर्षों पहले लंकापति रावण ने समाप्त करने का जल्लादों को आदेश दिया था, वो यही तुम्हारा पुत्र भीमा। माँ, बेटा मेरे लाल। माँ, मेरी आँखों के तारे। तुझे आज एहसास होगा कि तू लंकापति रावण की पुत्री है। पिताश्री, मेरे सुहाग को मत जाओ। पिताश्री चुप, मैं एक भी शब्द सुनने को तैयार नहीं हूँ। नहीं स्वामी नहीं, आप क्षुद्र पुत्र पर खड़क का वार करेंगे तो गांव हमारी बेटी को मिलेगा। विधि का लेख मिटाने जाएंगे और बेटी का सुहाग मिट जाएगा। मंदोदरी, एक क्षुद्र पुत्र का सिंदूर मेरी बेटी की मांग पर हो, इससे अच्छा मेरी बेटी ही ना हो। 10-10 सर काट के महादेव से पुत्री मांगी थी इसीलिए। आज या तो वो नहीं या मैं नहीं। नहीं स्वामी नहीं। हट जाओ। सैनिक, दरवाजा बंद करो और देखो कि यहां से कोई बाहर न जाने पाए। जो आज्ञा महाराज। चल चल, यहां से कहीं चले जाते हैं। चले जाने से स्थान बदलेगा माँ? भाग्य नहीं, हम जहां भी जाएंगे महाराज के हाथ वहां पहुंच जाएंगे। पर माँ, मुझे दैत्य के हाथों नहीं मरना। बेटा। माँ, तूने मुझे जन्म दिया है तो तू ही मुझे मौत दे। माँ। बेटा। माँ, मुझे घर के आंगन में ही समाधि लेनी है। समाधि? जिंदा समाधि? नहीं नहीं मेरे लाल। लंका नरेश मुझे मारकर विधि के विधान को झुठलाना चाहते हैं माँ, और माँ तेरे हाथों से मरकर उसके अहंकार को मिटाना चाहता हूँ। मृत्यु के बाद स्वर्ग मांग रहा हूँ माँ। समाधि लेने में मेरी मदद करो। बेटा जल्दी चलो माँ। माँ, मिट्टी निकालने में मदद करो। मुझे हंसते हंसते विदा करो। बेटा, मेरे किस पाप का दंड है ये? हिम्मत रखो माँ और मिट्टी डालो। इतने कोमल और सुंदर शरीर पे मिट्टी कैसे डालूं मेरे लाल? माँ, देखिए दिया, जब तक ये दिया जलता रहेगा तब तक धरती की गोद में दबा तेरा ये बेटा जीवित रहेगा। लंका नरेश मेरा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। माँ, मिट्टी डालो। माँ, मिट्टी डालो। माँ, मिट्टी डालो। मेरा
मेरा बेटा, मेरा लाल। लंकेश्वर की जय हो। अभी खबर मिली है कि महाराज शूद्रपुत्र भीम उसकी माँ की झोपड़ी में पहुँच गया है। मैं स्वयं वहाँ अभी पहुँच जाता हूँ, देखता हूँ वो भाग कर कहाँ जाएगा। मेरे लाल। बुढ़िया, कहाँ छिपा है तेरा भीम? रुक जा दुष्ट, मेरे बेटे पर तेरी छाया तक नहीं पड़ने दूंगी। बुढ़िया, बता कहाँ छिपा है तेरा बेटा? जब तक ये दिया जलेगा तब तक मेरा बेटा जीवित रहेगा, तू उसका बाल भी बाका नहीं कर सकेगा। बुढ़िया, अभी दिखाता हूँ। विधात्री के लेख पर मेघ, रावण जीता और विधात्री हार गई। हे ब्रह्मदेव, हे जन्मदाता, पुत्री बनकर लंका नरेश के यहाँ जन्म लिया है, पुत्री होकर पिता का सम्मान करो तो धरती पर पिता पुत्री के पवित्र संबंध को कलंक लगेगा। कोई महाप्रभु के पास हाथ जोड़कर पुत्री नहीं मांगेगा, मैं क्या करूं? पिता का मान रखती हूँ तो पति कहना पड़ेगा, पति का मान रखने जाती हूँ तो पिता। मदद करो प्रभु, मदद प्रभु। क्या चाहती हो देवी? मुझे मेरे रुद्र के पास ले चलो। जैसी तुम्हारी इच्छा। भीमदेव। आप? तारा की आवाज। पिताश्री। तारा, ये आप क्या कर रहे हैं? पिताश्री, मेरे पति देव कहाँ है? तेरे पति को मैंने यमलोक पहुँचा दिया है। क्या कहा? मैंने जिन्हें वरमाला पहनाई। एक शूद्र रावण का जमाई कदापि नहीं बन सकता है। तारा, मैंने तेरे लिए ही, मैं एक ही जन्म में दो विवाह करूं पिताश्री? एक स्त्री जब तक पुरुष के साथ। ऐसे शब्द बोलते हुए आपको लज्जा नहीं आती पिताश्री? आपकी जीवा क्यों निकट जाती? मेरे भीमदेव कहाँ है पिताश्री? मेरे भीमदेव कहाँ है? उसने जिंदा समाधि ले ली बेटी। क्या कहा? जिंदा समाधि? भीमदेव, साथ रहने की बात करके मुझे ऐसे बीच रास्ते अकेले छोड़ दिया। मैं आपको ऐसे अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी। आदेश है तारा का, बाहर आइए भीमदेव, बाहर आइए, बाहर आइए मेरे भीमदेव, बाहर आइए। बेटा, बेटा। भीमदेव, भीमदेव, माँ, माँ अपनी बहू को चुनरी उड़ाओ। माँ, मुझे चुनरी दीजिए। माँ, चुनरी दीजिए। मैं तो विधवा हूँ, मेरे पास चुनरी कैसे होगी? मेरे पास तो काली साड़ी है बेटी। वही वही मेरी चुनरी होगी, मुझे दीजिए माँ, जल्दी दीजिए। भीमदेव, 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 मेरे बेटे, ये ले बेटी। दूर हट बुढ़िया। पिताश्री। चुप। एक तुच्छ से शादी करेगी? मैं धूमधाम से कोई राजा महाराजा से तेरी शादी करूंगा, परंतु शूद्र के साथ नहीं करूंगा। कौन शूद्र? ये? अरे गर्विष्ठ, अभी भी आपका अभिमान गया नहीं? जाओ, मैं आपको श्राप देती हूँ कि एक दिन आपका ये अभिमान ही आपको नष्ट कर देगा और आपका सर्वनाश होगा और आपकी ये सोने की लंका जल के खाक हो जाएगी। बेटी होकर बाप को श्राप देती है? नारायण नारायण। राजन, ये तेरी पुत्री तो अवश्य है, पर कौन है वो कदाचित तू भूल गया है। कौन है? साक्षात जोग माया, माँ पार्वती का भयंकर स्वरूप, स्मशान काली तारा सुंदरी। और ये कौन है जानता है तू? तुच्छ शूद्र? नहीं, स्वयं रुद्र।
तूने गर्व त्याग दिया होता तो कब का पहचान गया होता मूर्ख कि भगवान रुद्र स्वयं है। जोग माया को भगवान रुद्र के सिवा अन्य कौन संभाल सकता है? तारा के रूप में समाहित महामाया को संभालने तो भीम देव के स्वरूप में रुद्र को अवतार लेना पड़ा। मुनिवर, इस छल कपट का कारण? ये छल कपट नहीं है राजन, परंतु आप मानवों के रचे जाति भेद को समाप्त करने, नष्ट करने और मिटाने के लिए मां तुम्हारे वहां पधारी। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और क्षुद्र के वर्णवाद को निर्मूल करके मानव को मात्र मानव बनकर ही जीना चाहिए, ये सिखाने स्वयं रुद्र क्षुद्र बनकर आए। युगों तक रुद्र भीमड़ा पीर के नाम से। और मानवी के मन का मैल मिटाने वाली जोग माया माँ मेलडी के रूप में पूजे जाएंगे। भूत पिशाच निशाचर भागे मैया तेरा ढोल नगाड़ा बाजे भूत पिशाच निशाचर भागे।